हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं बिजन टेस्ट सीरीज फॉर द UPSC PT 2023 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं 15 टेस्ट डिस्कस कर लिया हूँ। आज मैं 16 डिस्कस करूँगा जो कि जियोग्राफी पे है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू ए पार्टिकुलर रिवर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिया और कहा गेस करो कौन सी रिवर है। तो पहला है, द रिवर फॉर्म्स ये डेल्टा दैट होस्ट द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ओके। दूसरा है, प्रवरा एंड द इंद्रावती आर इट्स द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। एंड थर्ड है, इट्स फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो ये रिवर है गोदावरी, ओके। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है आफ्टर गंगा। इसका जितना कवरेज है, इंडिया का जितना लैंड एरिया है उसका 9.50% ये कवर करता है, ओके। और ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, ये बॉर्डर बनाता है तेलंगाना महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना का। तो ये ध्यान रखना, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है प्रवरा मंजरा एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा प्रणहिता इंद्रावती शबरी, ओके। देन गोदावरी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड है, द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये बेसिकली राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, ये सभी स्टेट में पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है, ओके। तो डी इज़ द करेक्ट। और कुछ रीजन जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय तक है, ओके। राजस्थान से लेकर ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स है, सेंट्रल प्लेट्यूज है, CNP है यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दक्कन प्लेट्यू, ये सभी जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में आते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सुनामी। तो सुनामी क्या है बेसिकली, सुनामी है अर्थक्वेक ऑफ लेस देन 5 मैग्नीट्यूड आर वेरी अनलाइकली टू ट्रिगर ये सुनामी, ओके। देन बी इज द करेक्ट। सुनामी बेसिकली स्पीड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द ओशियन, ओशियन के डेप्थ पर डिपेंड करती है सुनामी। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। द टर्म सर्वावाक वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो बेसिकली ये वैक्सीन है, ये इंडिजीनियस डेवलप है, क्वाड्रिलेटरल वैक्सीन है, सॉरी क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है फॉर प्रिवेंशंस ऑफ द कार्विकल कैंसर विमेन के लिए। उसमें उसके लिए ये प्रिवेंशन कहाँ है प्रिवेंट करेगा। एंड शाही इसको बनाई है, प्लस बेराक एंड बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, ओके। तो ध्यान रखना, ये वैक्सीन है बेसिकली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कार्विकल कैंसर के लिए है, कार्वावाक, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ क्या है, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू द पर्सन्स ऑफ द अर्थ बिकॉज डी इज द करेक्ट। द मून टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन एज फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ओके। तो डी इज द करेक्ट। बेसिकली मून जो है 27 डेज लेता है मूवमेंट, मतलब मूव अराउंड द अर्थ, ओके। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द लैंड फॉर्म्स द रॉक पेडेस्टल्स जेनुजन यारदांग्स एंड द डिफ्लेशंस हैलो आर द एसोसिएटेड विद। तो बेसिकली एरिड और डिजर्ट लैंड फॉर्म्स है, ओके। मृदापरदन बोलते हैं हिंदी में। और जेनुजिन जो है कजाकिस्तान में है।
ठीक है, ये सब लैंड इरोजन है, ये डिजर्ट एरिया है, एरिड और डिजर्ट लैंडफॉर्म से बनाते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर पे। 7 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेदरिंग एंड द मास मूवमेंट। वेदरिंग इज अ प्री रिक्वेस्टाइड फॉर ये मास मूवमेंट। नो, वेदरिंग इज नॉट प्री रिक्वेस्टाइड फॉर द मास मूवमेंट थ्रू ये, दो इट एड्स मास मूवमेंट, ये ऐड करता है मास मूवमेंट। एंड सेकेंड है रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स एंड करेंट आर द प्राइमरी कॉज ऑफ द मास मूवमेंट। नो, मास मूवमेंट इज द ओनली कॉज्ड बाई द ग्रेविटी। ओके, एंड थर्ड है द केमिकल्स डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज नॉट कंसिडर्ड वेदरिंग। नो, बेसिकली केमिकल डिकम्पोजिशन एंड द मकैनिकल डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रॉक्स कंसिडर्ड एज द वेदरिंग। ओके, केमिकल एंड मकैनिकल। तो आंसर हुआ डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर रॉन्ग, रॉन्ग पूछा था। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे। 8 क्या है, सेटासियंस। सेटासियंस आर ऑफेंस न्यूज, ऑफन रिफर्ड टू एज द सेंटिनल्स ऑफ ओशियन हेल्थ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड एज द कैटासियंस। तो बेसिकली ये है वेल्स। ओके, वेल्स में मिला है स्टेन ऑफ द बर्ड फ्लू, ये है बेसिकली कैटासियंस, H5N1। ओके, डॉक्यूमेंटेड इन द कैटासियंस, एंड कैटासियंस बेसिकली अ ग्रुप ऑफ द मैरीन ममल्स हैं। ओके, इसके अलावा जो है डॉल्फिन्स में प्रपोजेस, पॉर्पोइसेस एंड द वेल्स, इन सभी में देखा गया है उसी है। ओके, बेसिकली स्टेन ऑफ द बर्ड फ्लू H5N1, ये इसमें मिले हैं डॉल्फिन में, पॉर्पोइस में, होल्स में एंड कैटासियंस में। तो ये ध्यान रखना, से बी इज़ द करेक्ट, H5N1 था। एंड 9 को देखते हैं, विद रेफरेंस टू कोस्टल प्लेन इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स। यस, ओके, इसीलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पोर्ट बनाना आसान होता है। ओके, क्योंकि वो सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पोर्ट बनाना कठिन होता है क्योंकि ये इमर्जेंट कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर सेडिमेंट्स, न्यू सेडिमेंट्स जमा होते हैं। ओके, देन 1 इज करेक्ट। सेकंड है लाइक इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन द रिवर फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। नो, ये एस्चुरी बनाती है। तो दूसरा गलत है, डेल्टा एक प्लेन्स बेसिकली महानदी बनाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा एक प्लेन्स हैं। ओके, एंड वेस्टर्न में भी एस्चुरीज बनाती है। तो ए इज द करेक्ट। 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय पीक्स आर फाउंड इन इंडिया। तो नंदा देवी है इंडिया में, नंगा पर्वत है, ये दोनों हैं, नंगा पर्वत को कहते हैं दयामेर, और ये जो अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ये बेसिकली नेपाल में है। ओके, नेपाल चाइना बॉर्डर पे। एंड जो कामेट है ये भी इंडिया में है। तो 1, 2 एंड 5 बिलोंग टू इंडिया, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर। स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयाज अरेंज द फॉलोइंग बेल्ट ऑफ द एलुवियल प्लेन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ पूछा है, तो पहले भाभर होता है, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर। तो आंसर 1, 3, 2, 4 हुआ। लेकिन अब जानते हैं इसके बारे में क्या क्या। भाभर बेसिकली पथरीले कंक्रीट एरिया होते हैं। ओके, जस्ट रिवर जहाँ से निकलती है वहीं के पास होते हैं। एंड बांगर जो है बेसिकली
कैलकेरियस डिपॉजिट्स ऑफ द कंकर भी बोलते हैं, ये ओल्ड एलुवियल होते हैं, और खादर जो है न्यू न्यू एलुवियल होता है, एंड जो तराई होता है लैंड मर्सी एरिया होता है, ओके फुटहिल्स में होते हैं। तो इसका आंसर हुआ 1, 3, 2, 4, यानी कि पहले बाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर। ओके डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पे। 12 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस सेक्टर का से द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तेजस मार्क टू। तो पहला है इट इज़ ए सिंगल सिंगल इंजन हाइपरसोनिक फाइट जेट, नो ये सुपरसोनिक है। दूसरा है इट इज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू हैव द 100% इंडिजनाइजेशन, नो ये 70% इंडिजनाइजेशन है। ओके तो आंसर वर डी, नाइदर वर नॉट टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स ओशियन करंट ओशियन। तो पहला है लेब्राडोर, तो ये अटलांटिक में, पैसिफिक में नहीं है। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम, तो ये भी अटलांटिक में, इंडियन ओशियन में नहीं है। थर्ड है कैनरी, अटलांटिक में है, यस ये अफ्रीकन कोस्ट के पास है। एंड हम्बोल्ट, हम्बोल्ट यानी कि पेरू, ये पैसिफिक ओशियन में है, यस पेरू के आसपास। तो आंसर हुआ 2 पेयर इसके सही हैं, कैनरी एंड हम्बोल्ट। पी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 है विद रेफरेंस टू द मानसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दीज विंड्स कास्ट मोर रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स देन ऑन द वेस्टर्न साइड। पहला क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू द मानसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है दीज विंड्स कास्ट मोर रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स देन द वेस्टर्न साइड। नहीं भाई, वेस्टर्न साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स पे जो ज़्यादा हो रहता है रेनफॉल। तो पहला गलत है। दूसरा द छोटा नागपुर प्लेटू डज नॉट गेट एनी रेनफॉल फ्रॉम द दीज विंड्स, नो ये 15 सेंटीमीटर पाता है ड्यू टू वाया नर्मदा गैप जो है इसके द्वारा जाता है। ओके तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है इट पासिस ओवर द वेस्ट राजस्थान एंड अलॉन्ग द अरावलीज कॉजिंग द स्कैंटी रेनफॉल्स, यस तो थर्ड इज करेक्ट सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर को देखते हैं। द टर्म्स नारी कोरावम एंड द कुरु बिकारम एंड द हत्ती विच एवर रिसेंटली इन द न्यूज़। तो ये बेसिकली ये ट्राइब है सभी, इनको एसटी कैटेगरी में जोड़ा गया है। तो हट्टी जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, नारी कोरावन और जो कुरु बिकारम है ये तमिलनाडु की है, और एक छत्तीसगढ़ की बिंझिया भी है। ओके तो ये सभी ध्यान रखना, ये सभी ट्राइब है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर पे। 16 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री शेयर विद इंडिया। तो सबसे ज़्यादा शेयर करता है कौन, बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ए इज़ द करेक्ट। ओके वेरी सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं 17। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कल्टीवेबल्स एरिया अफेक्टेड बाई द सॉयल इरोजन्स। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे कल्टीवेबल एरिया अफेक्टेड है सॉयल इरोजन का, तो सबसे ज़्यादा यूपी में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा मध्य महाराष्ट्र एंड चौथा कर्नाटका में। तो आंसर हुआ 1, 3, 4 एंड 4, 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड द एक्सपेंडिंग द यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। पहला है द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स मीन्स एन इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, यस। दूसरा है विद टाइम द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, नो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है होगा। तो आंसर हुआ ए ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर पे। रिसेंटली ये न्यू फंड कॉल द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड FIF फॉर द पेंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड द रिस्पॉन्स
हैव्स बीन एस्टेब्लिश, इट इज़ द मेंटेन बाय, तो ये वर्ल्ड बैंक मेंटेन करेगा विद द WTO. WTO बेसिकली इसको टेक्निकल सपोर्ट टीम प्रोवाइड कराएगा. ओके, तो याद रखना फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड ये वर्ल्ड बैंक देखता है. ये पेंडेमिक प्रिपरेशन प्रिपेयरनेस एंड द रिस्पॉन्स के लिए बनाया गया है. FIF याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC PD 2023 के लिए. नेक्स्ट देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉमिनल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो भारत का बेसिकली पांचवा स्थान है. ओके, तो इसमें इंडिया सिक्स्थ दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो जापान इंडिया से ज़्यादा है, तो यानी कि सबसे कम है जो कनाडा का है, दूसरा इटली का, एंड और फिर इंडिया का, एंड फिर सबसे ज़्यादा है जापान का. तो इसका आंसर हुआ 2, 4 एंड 3. जापान से कम इंडिया का, इंडिया से कम इटली का, इटली से कम कनाडा का. तो इसका आंसर हुआ सी. और देखते हैं इन वर्ल्ड में, तो US 1 पे है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी, पांचवे पर UK है, बट UK को ओवर क्रॉस करके इंडिया 5 पे है, 6 पे UK है. तो याद रखना. 21 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टीम टर्म ओशियन मेमोरी. तो ओशियन मेमोरी बेसिकली है, इट इज ये फेनोमिना दैट मैनिफेस्ट इन फॉर्म ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ द ओशियन कंडीशंस कैरेक्टराइज बाई थर्मल एनर्जिया इन द अपर ओशियन मिक्सड लेयर डेप्थ. ओके, देन सी इज द करेक्ट. ट्वेंटी टू देखते हैं. 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एटमॉस्फेरिक रिवर. एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है, तो सी सी सही है. इट इज ए फ्लोइंग कॉलम ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेरिक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ द रेन एंड स्नो. तो सी इज द करेक्ट. ओके, एटमॉस्फेरिक रिवर बेसिकली इट इज फ्लोइंग कॉलम ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ द रेन एंड द स्नो. तो सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट 23 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट विद रेफरेंस टू ड्रॉट. तो ड्रॉट में हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट दिख रहा है. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज ए सिचुएशन वेयर देयर इज द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द इनएडिक्वेट रेनफॉल मॉल विद द मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस. नो, बेसिकली जो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है ये है शॉर्टेज ऑफ द वाटर ड्यू टू द इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन एंड एक्सेसिव रेट ऑफ द इवेपरेशन एंड द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्टोरेज एंड द रिजर्वायर. ओके, तो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड है. सेकेंड है ये पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन द ड्रॉट कंडीशंस. यस. एंड थर्ड है, इफ एन एरिया हैज मोर देन द 30% ऑफ इट द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अंडर द इरीगेशन द एरिया इज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन कैटेगरी. यस, तो इसका आंसर हुआ A 2 एंड 3. ओके, फिर 24 देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कल्चर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सुमांग लीला, तो इट इज़ ये ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट फॉर्म्स ऑफ द वेस्ट बंगाल. नो, ये इम्फाल का है, मणिपुर का. ओके, सुमांग लीला ये बेसिकली ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट है इम्फाल मणिपुर का. दूसरा है, इट इज परफॉर्म्ड ओनली बाय द फीमेल. नो, लगभग ये ऑल प्लेड बाय द मेल्स एक्टर्स. ओके, तो दोनों गलत हैं. डी इज द करेक्ट, नाइदर वन नार टू. एंड लाई हरोबा भी होता है, एक रिचुअल्स ऑफ द माइती कम्युनिटी. मैथी बेसिकली वैष्णवेत होते हैं, हिंदू होते हैं. ओके, ये सब डेवलप हुए हैं 19 टू 20 सेंचुरी. तो इसका आंसर है डी, नाइदर वन नार टू.
नेक्स्ट देखते हैं 25, आज का लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायो ड्रेनेज। तो बायो ड्रेनेज बेसिकली है पंपिंग अप द एक्सेस सॉयल वाटर बाय द डीप रूटिंग वेजिटेशंस थ्रू द इवापोट्रांसपिरेशंस। ओके, तो सी इज द करेक्ट। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 26 to 50 में। ओके, थैंक यू।